नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं अनीश शर्मा उड़ान आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ पीएससी व्यापम और एसआई मेंस में पूछे जाने वाले पर्यावरण के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहता हूं। आप उड़ान आईएएस एकेडमी में सीजीपीएससी प्री और मेंस की क्लासेस को अब ऑनलाइन, ऑफलाइन और साथ में रिकॉर्डेड वीडियो के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप दिए हुए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप उड़ान आईएएस एकेडमी में एसएससी और रेलवे में आयोजित होने वाली जो परीक्षाएं हैं उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लस रिकॉर्डेड वीडियो के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए कक्षाएं शीघ्र प्रारंभ होने वाली हैं। आइए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो इकोसिस्टम की परिभाषा पूछी गई है इसमें, तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है, एक दूसरे से अनन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। देखिएगा, इकोसिस्टम जो है पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र, तो इकोसिस्टम में क्या है, जैविक और अजैविक घटक दोनों सम्मिलित होते हैं और उनके बीच में क्या है, अंतःक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो उसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों होंगे और उनमें क्या है, आपस में क्या है, संबंध रहता है, जिसको अंतःक्रिया बोलते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, जीवों ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं, ये ऑप्शन क्या है, सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यहां पे रॉन्ग आंसर को क्या करना है, पिक करना है। तो यह अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। मैंने आपको बताया अभी क्या कि इकोसिस्टम में क्या है, बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं। जैविक घटक जिसमें जीवन होता है, जिसमें क्या है, पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं, और अजैविक घटक में क्या है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जिसमें हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर और लिथोस्फीयर आता है। सेकेंड ऑप्शन है, इसकी स्वयं की उत्पादकता होती है। बिल्कुल 100% ये ना सही बात है। जैसे कि क्या है, पौधा, पौधा इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर है और ये क्या है, ऑक्सीजन तथा क्या है, भोजन का निर्माण करता है, जिसपे दूसरे क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता निर्भर रहते हैं। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक बंद तंत्र होता है, इकोसिस्टम बंद तंत्र नहीं होता, खुला तंत्र होता है, क्योंकि उसमें जीवधारी क्या है, जीवधारी जुड़े रहते हैं और एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से भी जुड़ा हुआ रहता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और चौथा, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र, बिल्कुल सही बात है, यह क्या है, प्राकृतिक नेचुरल सिस्टम है। तो इसमें से तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इकोसिस्टम पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है, मरुस्थली, घास का मैदान, पर्वती और सामुद्रिक। देखिएगा, इजी क्वेश्चन है ये। पूरी पृथ्वी का क्या है, लगभग 3/4 भाग क्या है, समुद्र है, और बाकी के 1/4 भाग में क्या, स्थल मंडल है। ठीक है, और इस हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, समुद्र का जो इकोसिस्टम है वो सर्वाधिक भाग में फैला हुआ है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 4, सामुद्रिक इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है या किस आंदोलन का नारा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन दिया गया देखिएगा, अपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, उपर्युक्त में से किसी का नहीं। देखिएगा, उत्तराखंड में क्या हुआ था, जब बांध और अन्य परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षों को काटा गया था, तो वहां के नागरिकों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया था, जिसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन एक बहुत ही बड़ा आंदोलन था, जिसमें चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी ऐसे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व शामिल हुए थे। और इसमें क्या करते थे लोग, जब वृक्षों को काटा जाता था तो वो जाके वृक्षों से चिपक जाते थे, इसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट भी जुड़े हुए थे, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। ठीक है, तो इसमें ही नारा दिया गया था कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इससे कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, जीव भार का पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? आपको इसको बनाने के लिए सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल पिरामिड से क्या है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आपको बायोमास या जैव भार का या जीव भार का ना परिभाषा पता रहना चाहिए। तो जीव भार की परिभाषा क्या होती है या जैव भार की परिभाषा होती है, ठीक है, किसी भी जीवधारी का है ना कुल वजन, जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं, कुल वजन या कुल भार में से हम लोग क्या करते हैं 70% जल की मात्रा है ना, 70% जल की मात्रा को घटा देते हैं। ये 70% क्यों लिया गया है, क्योंकि क्या है लगभग औसत हर जीवधारी में 70% जल होता है, तो उसके कुल वजन में से 70% जल की मात्रा को घटा दी जाती है, जिससे क्या जीव भार या बायोमास प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखेंगे क्या है किसका जो वो है इकोलॉजिकल पिरामिड बायोमास का उल्टा बनने वाला है, वन। तो वन में क्या होगा देखिएगा, वन में का पिरामिड कैसे बनेगा, वन में क्या रहेगा जो प्राथमिक जो वो है उत्पादक के पहले क्या हो, सॉरी वन का कैसे बनेगा वो देखते हैं। वन में क्या होगा उत्पादक क्या रहेगा, उत्पादक रहते हैं पौधे, फिर उसके बाद क्या है शाकाहारी जानवर प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद क्या है मांसाहारी जानवर द्वितीयक उपभोक्ता, है ना, यहीं तक का हम लोग एग्जांपल कंसीडर करके देखते हैं, है ना। तो जो उत्पादक रहेगा पौधा वो वन में क्या रहता है या जंगल में ज्यादा रहता है, उसकी तुलना में शाकाहारी कम और मांसाहारी उससे भी कम रहते हैं, तभी इकोसिस्टम प्रॉपर मैनेज होता है। तो जितने ज्यादा पौधे रहेंगे तो उनका बायोमास ज्यादा होगा, और क्या हो जाएगा बायोमास ज्यादा है मतलब क्या है उनका वजन ज्यादा होगा, और उसमें से 70% जल की मात्रा को घटा देंगे तो देखिएगा क्या होगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसकी सीधी सी बात है जैव भार ज्यादा होगा। और क्या है मैंने आपको अभी बताया किसी भी जंगल या वन में या फॉरेस्ट में क्या है पेड़ पौधे ज्यादा रहते हैं, तो पेड़ पौधों का जैव भार ज्यादा, शाकाहारी का कम क्योंकि उनकी संख्या कम है, मांसाहारी की संख्या और कम होती है तो उनका जैव भार और कम होगा। तो क्या हो जाएगा यदि हम इसको ना पॉइंट को मिलाते जाएंगे, तो पहले क्या है बायोमास ज्यादा है ना, यहां पे बायोमास ज्यादा फिर कम फिर और कम, तो ये तो क्या है पिरामिड सीधा बन रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या है गलत हो जाएगा। तालाब में देख लेते हैं, तो तालाब में क्या होता है प्राथमिक जो उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता के पहले उत्पादक कौन होंगे, तो तालाब में उत्पादक क्या रहता है, एक नीचे में देखिएगा कॉर्पोरेट टाइप का जमा रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शैवाल या काई, इंग्लिश में इसको एल्गी बोलते हैं। और क्या होता है तालाब में प्राथमिक उपभोक्ता पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, ठीक है फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो है वो एक कोशी पौधे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा जो अगर उदाहरण ले तो मछलियां तालाब में छोटी मछलियां और उसके बाद क्या होंगी बड़ी मछलियां होंगी, क्लियर। तो क्या होगा शैवाल की तुलना में छोटी मछलियां की संख्या ज्यादा होगी, है ना, शैवाल को गिनना ऐसे मुश्किल है लेकिन शैवाल का वजन बहुत कम रहता है मछलियों की तुलना में, और बड़ी मछली की तुलना में तो और कम होगा। तो मतलब यहां पे क्या है वजन या बायोमास शुरुआत में कम थोड़ा सा ज्यादा और बड़ी मछलियों का सबसे ज्यादा, यदि आप इसको ऐसा लिंक करोगे तो क्या होगा यहां पे पिरामिड उल्टा बन रहा है, नीचे में जैव भार कम फिर थोड़ा ज्यादा बड़ी मछलियों को सबसे ज्यादा, इसका आंसर आएगा तालाब मतलब बी, और बाकी आप बनाना चाहोगे तो बना सकते हो, है ना, क्योंकि चार में से एक ही ऑप्शन सही होगा। तो जैसे मैंने बनाया वैसे आप बाकी को दोनों को बना के क्या है प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यदि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके टिक करते जाओ आंसर को और चेक करते जाओ आपका कितना सही हो रहा है, तो आप ऐसे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10% का नियम किससे संबंधित है? अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कंपटीशन एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है। 10% का जो नियम है वो लिंडमैन वैज्ञानिक के द्वारा ना प्रतिपादित किया गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे ये लिंडमैन द्वारा क्या है प्रतिपादित किया गया था। लिंडमैन ने क्या किया है थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा गतिके के नियम को इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी में या पारिस्थितिकी तंत्र में इंप्लीमेंट किया है, उसको लागू किया है। और इकोसिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉरी लिंडमैन ने क्या किया है थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा गतिकी के नियम को क्या किया है
इकोसिस्टम में उसको इंप्लीमेंट किया है या लागू किया है। और क्या है, थर्मोडायनेमिक्स या उष्मागतिकी में हम लोग दो नियम पढ़ते हैं। क्या दो नियम है? कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, दूसरा जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो शत प्रतिशत नहीं होती है। तो ये दो नियम है, तो उसको लिंडमैन ने इंप्लीमेंट किया था इकोलॉजी या इकोसिस्टम में। तो वो देखते हैं किस पर आधारित है। तो लिंडमैन का नियम क्या है, ऊर्जा के प्रवाह की गणना करता है। क्लियर? तो क्या है इसमें से ऑप्शन देखते हैं। और इन्होंने आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज ये बता दूं कि लिंडमैन का ये मानना था कि जो ट्रॉपिक लेवल या पोषक स्तर रहता है, मतलब उत्पादक से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और अंत में अपघटक तक ऊर्जा जब पहुंचती है तो लगातार कम होते जाती है। ठीक है, तो ये क्या लिंडमैन का नियम था। तो उस हिसाब से यदि हम लोग देखेंगे तो ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे में पहुंचना, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे में, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे में जाना, पानी का एक जोन से दूसरे में पहुंचना। देखिएगा बाकी तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत नजर आ रहा है। और क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक्स के नियम पे आधारित है, तो एनर्जी से रिलेटेड है। तो इन्होंने बताया था कि पोषक स्तर में ऊर्जा उत्पादक से जब अवघटक तक जाती है तो लगातार क्या होती है, कम होते जाती है। और प्रत्येक पोषक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही शेष रहती है। तो यह लिंडमैन का नियम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर है? तो ये क्या है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर है अर्नेस्ट नेस। तो डायरेक्ट आप इसको याद कर लीजिएगा, ऐसा है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति मतलब ट्रांजिशन, ठीक है, क्षेत्र मतलब जोन क्या कहलाता है, इको टाइप, इकेड, इकोस्फियर, इकोटोन। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोटोन से भी प्रश्न आया था, इसका आंसर इकोटोन होगा। ठीक है, देखिएगा क्या होता है। जैसे हम लोग भारत इंडिया में देखें तो क्या है, पश्चिमी और पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट में क्या होता है, ये समुद्र के तट से क्या है जुड़ा, यहाँ पे समुद्र का तट है तो, और क्या है इस तरफ क्या है, स्थल मंडल लिथोस्फियर है, और इस तरफ क्या है, जल मंडल हाइड्रोस्फीयर है। क्लियर? तो यहां की जो वनस्पतियां और मतलब कि क्या हो गए, यहां का फ्लोरा और फौना, वनस्पतियां और जीव जंतु और यहां के फ्लोरा और फौना, आप देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है ये दोनों में कॉमन है। कॉमन मतलब क्या हो रहा है, यहां पे स्थल मंडल से क्या है, जल मंडल क्या है, जुड़ रहा है। तो ये वाला जो क्षेत्र जहां पे कुछ भाग क्या है स्थल मंडल का और कुछ क्या है जल मंडल का है, दोनों जहां पे जुड़ते हैं ये ट्रांजिशन जोन ही क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। मतलब दो इकोसिस्टम के जुड़ने वाला स्थान है ना, उसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं। तो ये जल मंडल स्थल मंडल है, ठीक है, वैसे क्या है, मरुस्थल और जल मंडल भी हो सकता है, स्थल मंडल और मरुस्थल भी हो सकता है। तो इस प्रकार जहां पे दो इकोसिस्टम जुड़ते हैं उस ट्रांजिशन जोन को हम लोग इकोटोन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन ये देखिएगा। सबसे पहले हम लोग, मैं आपको बता दूं कि जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम्स में। जैव विविधता अधिनियम को सन 2002 में लागू किया गया था। क्लियर? जैव विविधता अधिनियम को क्या है, सन 2002 में लागू किया गया था, और इसी अधिनियम के तहत 2003 में प्राधिकरण, कौन सा प्राधिकरण, जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित करने की योजना तय की गई थी। और ये कहां पे की गई थी, ये चेन्नई 2003 में क्या किया गया है, इस प्राधिकरण को स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, जैव विविधता अधिनियम आया था, उसी के अंतर्गत इस प्राधिकरण को स्थापित करने का प्रावधान था जो कि चेन्नई में किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वेटलैंड दिवस या वेटलैंड डे किस दिन मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, वेटलैंड किसको कहते हैं, वेटलैंड या क्या है, इसको बोला जाता है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि जहां पे क्या है, भूमि में आर्द्रता ज्यादा रहती है, तो वो कौन सा क्षेत्र आएगा, इसमें आ जाएगा समुद्र तटीय क्षेत्र आ जाएंगे। क्लियर?
इसमें समुद्र तटीय क्षेत्र आ जाएंगे, इसमें तालाब नदी एवं झील का किनारा भी आ जाएगा। तो ये सभी जगह जहां पे क्या है आर्द्रता ज्यादा रहती है उसको आर्द्र भूमि बोलते हैं। और 1971 में 2 फरवरी के दिन ईरान का एक शहर है रामसर, यहां पे क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग आयोजित की गई थी और यहां पे ये डिसीजन लिया गया कि आर्द्र भूमि जहां जहां विश्व में जिस जिस जगह में है उस स्पॉट्स को पहचानना है और उसको बायोडायवर्सिटी के क्या है बायोडायवर्सिटी के समृद्ध क्षेत्रों में शामिल करना है। चूंकि यह क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मीटिंग 2 फरवरी को आयोजित की गई थी इसलिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड डे 2 फरवरी को क्या है मनाया जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में भारत में वेटलैंड जो स्पॉट्स हैं 75 हैं, ये ध्यान रखना, ये से प्रश्न आता है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा ड्रग मतलब मेडिसिन गिद्धों की समष्टि मतलब उनकी स्पीसीज या समुदाय हास के लिए क्या है उत्तरदायी है। इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है एस्पिरिन, क्लोरोक्वीन, डाइक्लोफेनॉक सोडियम और पेनिसिलिन। याद रखिएगा आज के डेट में जो गिद्ध या वल्चर हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हो चुके हैं, ठीक है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हो चुके हैं। आज के डेट में गिद्ध क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हो चुके हैं, अधिक संकटापन्न प्रजाति कहा जाता है इनको, क्योंकि क्या हुआ है जो दूध देने वाले जानवर गाय और जो भैंस होते हैं उनको क्या है प्रतिबंधित पेन किलर दिया जाता है जिनका उनके किडनी और लीवर में गंभीर नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण क्या है गाय और भैंस की अकाल मृत्यु होती है। जब इनके डेड बॉडी को बाहर फेंका जाता है गांव या शहर के, तो इसके क्या है फ्लैशेस या मांस को खाने के लिए गिद्ध आता है और गिद्ध हमारे लिए साफ सफाई का काम करता है। गिद्ध हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पक्षी या बर्ड है, लेकिन चूंकि क्या है बहुत अधिक सांद्रता दुधारी पशुओं के शरीर में पेन किलर की जा चुकी है, जिसमें डाइक्लोफिनॉक जो कि क्या एक प्रतिबंधित या प्रोहिबिटेड ड्रग है जो कि गंभीर नुकसान पहुंचाता है लीवर और किडनी को, उसके कारण गिद्ध का भी लीवर और किडनी क्या है डैमेज हो रहा है। और आज के डेट में गिद्ध क्या है सामान्यता दिखाई नहीं देते हैं जो कि पर्यावरण के लिए क्या है गंभीर समस्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डाइक्लोफिनॉक सोडियम। एक और है, आप चाहेंगे नोट करना चाहे तो, एक हार्मोन है मिल्क प्रोडक्शन को इंड्यूस करने वाला जो गाय और भैंस में दूध का उत्पादन बढ़ाता है उसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। इस ऑक्सीटोसिन की भी असांद्रता अधिक होने के कारण गाय और भैंस की असमय मृत्यु होती है और यह क्या है गिद्धों के शरीर में पहुंच रहा है जिसके कारण भी गिद्ध की मृत्यु हो रही है। तो ये दोनों को आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों मेडिसिन या ड्रग, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। पहला ऑप्शन है जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉट स्पॉट्स में विद्यमान स्थानिक पौधों एंडेमिक जो स्पीसीज है और पशु जातियों की सूची। दूसरा है संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। तीसरा है विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। देखिएगा बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। यहां पे एक वर्ड आया हॉट स्पॉट, ठीक है, और यहां पे आया एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा हॉट स्पॉट और ना जो एंडेमिक स्पीसीज है उसका रेड डेटा बुक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका हॉट स्पॉट और एंडेमिक स्पीसीज का रेड डेटा बुक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है ये गलत हो जाएगा। हॉट स्पॉट एक अलग कॉन्सेप्ट होता है जिसको नॉर्मन मायर्स ने क्या किया था प्रतिपादित किया था। संकटग्रस्त पौधों और क्या है पशु जातियों की सूची, क्या होता है IUCN का जो रेड डेटा बुक है वो प्रति वर्ष क्या है सभी देशों से क्या है
जानवरों की लिस्ट को मंगाता है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में क्या किया गया है, फौना मतलब जानवर को इनलिस्ट किया गया है, जैसे कि एक्सटिंक्ट जो विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्टिंग वाइल्ड जो अपने प्राकृतिक आवास में विलुप्त हो चुके हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड जैसे कि अभी मैंने गिद्ध का उदाहरण दिया था, इनडेंजर्ड संकटापन्न, इस प्रकार से अलग अलग क्या उसमें कैटेगरीज है। तो ये क्या इस हिसाब से आंसर दो बिल्कुल सही है। थर्ड देख लेते, विभिन्न देशों में क्या है प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, इसका भी IUCN के रेड डेटा बुक से कोई लेना देना नहीं है, तो केवल दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। और याद रखिएगा आजकल इस प्रकार के प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं, है ना, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं, प्रवाल भित्तियों को कोरल रीफ बोलते हैं, ठीक है, प्रवाल भित्तियों को कोरल रीफ बोला जाता है, इसको ये क्या है कोरल रीफ, मूंगे की चट्टाने होती हैं, मूंगे की चट्टाने हैं, और कोरल रीफ सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के क्षेत्रों में गिना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। संसार का सबसे बड़ा कोरल रीफ जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, क्लियर, तो ये ध्यान रखना है। भारत में कहां कहां है, ये सामान्यता आपको ना याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं, सामान्यता क्या है, ये समुद्रों में पाए जाएंगे, मतलब मरीन इकोसिस्टम का हिस्सा है प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बिल्कुल 100% यहां पे है, कच्छ की खाड़ी यहां पे है, मन्नार की खाड़ी यहां पे भी है, सुंदरवन में क्या है कोरल रीफ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सुंदरवन जो है वो मैनग्रोव वनों के लिए क्या है, मैनग्रोव वनों के लिए क्या है प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। तो सुंदरवन मैनग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, यहां पे प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती। तो ये ऊपर का तीन सही है, चौथा वाला गलत है, तो आंसर ए आ जाएगा। एक और स्पॉट है जिसको आप ना नोट कर सकते हो, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भी क्या है प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, बहुत अधिक मात्रा में है ये, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोरल रीफ से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये कोरल रीफ का ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन या कोरल रीफ ब्लीचिंग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। प्रवाल विरंजन देखिएगा क्या होता है, कोरल रीफ जो कि ना समुद्र के भीतर पाई जाती है, इन कोरल रीफ में ना कलर्स रहते हैं, क्लियर, तो ये बहुत ही सुंदर एक क्या संरचना निर्माण करती है। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण औसत तापमान में वृद्धि हुई है, और यह देखा जा रहा है कि कोरल रीफ का जो कलर है वो कलर क्या है, अब वो कलर क्या हो रहा है निकलता जा रहा है, और वो बिल्कुल क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर रहता है, मतलब व्हाइटिश एकदम सफेद होता जा रहा है, ठीक है। तो ये ना कारण किसके कारण है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण क्या है समुद्र का पानी भी गर्म हो रहा है और वो कोरल रीफ का कलर को चेंज कर रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग इसका ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रवाल सेलों का खनन, उस रोगों का फैलना और अवसादों का जमाव इसका कारण नहीं है, इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन या उष्मन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक XC2 संरक्षण या कंजर्वेशन के लिए कौन सी गैस सामान्यता प्रयोग में लाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा XC2 कंजर्वेशन कब किया जाता है, जब किसी भी क्या है प्राणी का प्राकृतिक आवास का विखंडन हो जाता है, तो उसको प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना जरूरी हो जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, नाइट्रोजन को -196 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन गैस द्रव अवस्था में आ जाता है, और इस टेम्परेचर में क्या किया जाता है, जीवधारियों के जीन को, DNA को, उनके टिश्यूज को, उत्तकों को इत्यादि को संरक्षित किया जाता है। तो ये कई वर्षों तक इस तापमान में नाइट्रोजन के क्या है चैम्बर में सुरक्षित किया जाता है। तो ये क्या है XC2, मतलब क्या जीवधारियों को उनको प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण करने का उदाहरण है। क्रायो जो वर्ड आया है, क्रायो वर्ल्ड का मतलब होता है अति निम्न तापमान, ये भी ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है अति निम्न तापमान,
इसका मतलब होता है अति निम्न तापमान, और ये जो विधि जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं अभी, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। इसको क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्वेश्चन का। क्लियर, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियोस में कुछ और पर्यावरण के प्रश्नों को हम बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं।